या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श कोण, जब किसी द्रव में किसी ठोस का कुछ भाग डुबाया जाता है तो द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव सतह के स्पर्श जयातल एवं ठोस सतह के स्पर्श जयातल के मध्य बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। अर्थात अगर किसी द्रव में किसी ठोस का कुछ भाग डुबाते हैं तो दो तरह की सतह बनती है, एक तो द्रव की सतह और एक ठोस की सतह। तो द्रव की सतह और ठोस की सतह के जो टेंजेंट है उनके बीच बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। स्पर्श कोण का मान द्रव व ठोस की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, परंतु इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य ही हो सकता है। यदि द्रव की सतह कॉनकेव हो तो स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, परंतु अगर उत्तल द्रव है तो उत्तल द्रव सतह के लिए इसका मान 90 डिग्री से अधिक हो सकता है, और समतल द्रव पृष्ठ के लिए जिसे हम क्रांतिक स्पर्श कोण कहते हैं 90 डिग्री होता है। इन स्थितियों को हम इन चित्रों में देख सकते हैं। पहला जो चित्र है उसमें द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस जो कांच की ट्यूब है इसके बीच का एंगल स्पर्श कोण कहलाएगा। दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि द्रव की सतह और द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कोण थीटा सी 180 डिग्री से कम परंतु 90 डिग्री से ज़्यादा है। और तीसरे चित्र में द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस की सतह के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री है। अर्थात जब कभी भी हमें स्पर्श कोण ज्ञात करना हो तो सबसे पहले द्रव की सतह पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और उसके बाद ठोस की सतह के बीच में एंगल ज्ञात करते हैं। तो पहले चित्र में द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस की सतह के बीच में जो कोण है वो न्यून कोण है। दूसरे चित्र में द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस की सतह के बीच में कोण अधिक कोण है, और तीसरे चित्र में यह कोण 90 डिग्री है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि किन स्थितियों में ये न्यून कोण होता है और किन स्थितियों में ये अधिक कोण होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि स्पर्श कोण द्रव और ठोस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर साफ पानी लें और कांच लें तो इनके बीच में जो स्पर्श कोण है वो 0 डिग्री है, अर्थात न्यून कोण है, पहले चित्र के लिए होगा। अर्थात इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होंगे जैसे पानी और कांच के लिए, तो नली में पानी ऊपर की ओर होगा और गोलाई भी लिए हुए होगा, कॉनकेव सतह बनेगी। अर्थात जो है पानी कांच की सतह पर चिपक जाएगा। इसी तरीके से अगर पारा और कांच लें, यानी दूसरे चित्र में पारा भरा हुआ हो कांच की नली के अंदर, तो वो इसकी सतह से दूर हटेगा और उसकी सतह से चिपकेगा नहीं। इसका मान पारे और कांच के लिए 132 डिग्री होता है। अशुद्ध जल और कांच के स्पर्श कोण 8 डिग्री के लगभग होता है। अर्थात जिन द्रव और ठोस सतहों के लिए स्पर्श कोण का मान न्यून कोण हो उन द्रव और ठोस के लिए असंजक बल का मान संसंजक बल से अधिक होता है। अर्थात पिछले वीडियो लेक्चर में हम असंजक और संसंजक बलों के बारे में पढ़ चुके हैं। असंजक बल भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में जो बल लगता है उसे असंजक बल कहते हैं, और संसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है। तो यहाँ पे पानी और कांच दो अलग अलग पदार्थ हो गए और इनके बीच में असंजक बल का मान अधिक है।
असंजक बल का मान अधिक होने के कारण जो ठोस है वो द्रव को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इनके लिए जो स्पर्श कोण है वो न्यून कोण होगा। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के लिए असंजक बल का मान अधिक होता है और इस प्रकार के द्रव नली में ऊपर चढ़ जाते हैं और नली में मुक्त पृष्ठ की सतह अवतल होती है, जैसा कि पहले चित्र में हम देख रहे हैं। इस प्रकार के द्रव नली की दीवार को गीला कर देते हैं। जब स्पर्श कोण का मान अधिक होता है, जैसा कि हम चित्र 8.15b में देख रहे हैं, तो पात्र की दीवार के साथ जो द्रव है वो नत हो जाता है, अर्थात वो दीवार से अलग हट जाता है और द्रव तल उत्तल बन जाता है। इस प्रकार के द्रवों का नली में उत्तल तल भारी द्रव तल से नीचे होता है और इस प्रकार के लिए द्रवों के लिए संसंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। ये द्रव पात्र को या नली की दीवार को गीला नहीं करते हैं, अर्थात इन दोनों चित्रों में, पहले चित्र में जो है भारी पात्र में द्रव नीचे है और नली के अंदर द्रव ऊंचाई पर है, दूसरे चित्र में भारी पात्र में नल द्रव जो है ऊपर की ओर है और नली के अंदर द्रव की सतह नीचे है। जब स्पर्श कोण का मान शून्य होता है तब द्रव तल समतल रहता है और असंजक और संसंजक बल का मान समान रहता है। ये द्रव पात्र की दीवार को पूरी तरीके से गीला कर देते हैं और नली में इन द्रव तलों का बाहर और अंदर तल समान होता है। यहाँ पे हमने स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है, ये चित्र में दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं बूंद की आकृति। जो द्रव स्पर्श तल को गीला करते हैं उनकी बूंद चित्र 8.16a की तरह बनती है। देखिए, आठ पॉइंट सोलह ए में हमने द्रव लिया है और इनके लिए स्पर्श कोण का मान न्यून कोण है। ये द्रव की सतह पे चिपकते हैं तो इनकी बूंदें चित्र के आकृति की बनती है, परंतु जो द्रव ठोस तल को गीला नहीं करते हैं उनकी आकृति लगभग गोल तल से ऊपर उठी हुई बनती है, जैसा कि चित्र 8.16b में दर्शाया गया है। यदि द्रव संपूर्ण रूप से पृष्ठ को गीला करते हैं तो ऐसे द्रव की बूंदें नहीं बनती है और द्रव तल पर शीघ्रता से फैल जाता है। चित्र 8.16a में जल की बूंद है और चित्र 8.16b में पारे की बूंद है। दोनों कांच तल पर है, अर्थात ये जो सतह है वो कांच की सतह है। पहले चित्र में पानी की बूंद है और दूसरे चित्र में पारे की बूंद है। क्योंकि द्रव की सतह और नीचे कांच की सतह के बीच में अगर स्पर्श रेखा खींची जाए और कोण बनता है वो न्यून कोण है, और दूसरे चित्र में द्रव की सतह और कांच की सतह के बीच का कोण अधिक कोण है। कमरे के ताप पर जल का पृष्ठ तनाव 75×10⁻³ न्यूटन पर मीटर है तथा पारे का पृष्ठ तनाव 550×10⁻³ न्यूटन पर मीटर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पर्श कोण के आधार पर द्रव और ठोस की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है।